नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा हेतु अध्ययन सामग्री। इसको पब्लिश किया है घटना चक्र ने। एक्चुअली मैंने 2023 एडिशन बुक कर दिया था, बट ऑनलाइन चेक किया तो पता लगा कि दोनों में कुछ खास चेंज नहीं है, तो मुझे कैंसिल करना पड़ा। और सोचा कि क्यों ना 2020 एडिशन का मैं आपके सामने रिव्यू करूं, क्योंकि सेम है, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ क्वेश्चन ऐड हुए और सब कुछ सेम है। तो ये तीनों ट्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी ट्रेड्स के लिए। आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो यह आपको MRP 200 देखने को मिलता है और लगभग 170 से 190 के बीच आपको देखने को मिलती है मार्केट में। आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, या SSGCPA अर्थात घटना चक्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। इसके अंदर के अगर नंबर ऑफ पेजेस की हम बात करें तो यहां पर आपको 144 पेजेस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ के साथ आपको हम बता दें, ये 144 जो पेज है वो आपके रीजनिंग के पेज है। बात करें जीके की तो 216 पेज आपके रीजनिंग के हैं। तो 144 और 214 कुल मिलाकर होगा हमारे 344 और 360 आपके पेज यहां पर हो चुके हैं। 360 पेज यहाँ पर आपके हो चुके हैं। और बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसके फ्रंट पेज पर जाएंगे तो आपको सामान्य जानकारी में ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, और अगर आप रीजनिंग में जाते हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं, एक्चुअल में इसमें है क्या। ये आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर के SSC JEE के एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका एक यहाँ पर संकलन किया गया है। वन लाइनर टाइप आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वन लाइनर टाइप को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये सब चीज़ों को जानेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, अनुक्रमणिका क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। सामयिक विषयों के ज्ञान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, भारत की संस्कृति, भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, खेल संबंधी जानकारी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामान्य वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास, पर्यावरण और प्रदूषण की मूल बातें, महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, सादृश्यता परीक्षण, ये आपका रीजनिंग का पोर्शन आ चुका है, वर्णमाला एवं संख्या श्रेणी, कोडिंग एवं डिकोडिंग, वर्गीकरण, संबंध, दिशा, गणितीय संक्रियाएं, क्रम व्यवस्था परीक्षण, जबलिंग, घड़ी, कैलेंडर, घन व पासा, मैट्रिक्स, वेनारिक, न्यायसंगत, कथन, तर्क और पूर्वानुमान, निष्कर्ष और निर्णायक क्षमता, डेटा विवेचना एवं प्रचुरता, समानता एवं भिन्नता, श्रृंखला परीक्षण, सन्निहित आकृतियां, आकृति संयोजन और आपका आकृति विश्लेषण, विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति, दर्पण अनुकृति, जल प्रतिबिंब, कागज कटिंग। तो ये आपके रीजन के टॉपिक इसके अंदर कवर किए गए हैं। अब यहां पर हम शुरू करते हैं कि इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये राष्ट्र लेवल के सामयिक विषयों के ज्ञान है, मतलब यहां पर आपको करंट अफेयर्स संजोया गया है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसके सामने उसका आंसर। तो 2020 का एडिशन है तो इसमें करंट अफेयर 2019 और 20 के ही देखने को आपको मिलते हैं। यानी अगर आप SSC JEE या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस साल के करंट अफेयर सारे करने, उसके पिछले साल के थोड़े बहुत आपको खास खास जो करंट अफेयर है वे देख लेने हैं। आगे चलते हैं, चर्चित व्यक्ति कौन कौन रहा वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, चर्चित स्थल कौन कौन से रहे आपके जिसे क्वेश्चन बने हैं, पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं, योजना परियोजना कौन कौन सी चली है, विधि न्याय ऑपरेशन अभियान सम्मेलन समारोह। तो यहां से आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक के करंट अफेयर आपको कवर करने हैं। खेल परिदृश्य आगे चलते हैं, इसके बाद शुरू होते हैं आपके स्टेट जीके। यहां पर जैसे भारत का भूगोल के ऊपर क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, तो जिनमें मैंने सर्किल किया हुआ है जिसमें चेक किया कि ये क्वेश्चंस पहले SSC JEE के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो उन्हीं को यहां पर संजोया गया है, यहां पर दिया गया है। थोड़ा और आगे चलते हैं, भारतीय जनजातियां कौन कौन सी जनजाति कौन से राज्य से बिलोंग करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नदी और उनके किनारे जो स्थल है उनके नाम, जो नगर है उनके नाम दिए गए हैं, किस राज्य में कौन सी झील है वो यहां पर ये बताया गया है। आगे चले, आगे चलकर आपको धीरे धीरे पता चलेगा मिट्टी या भारत के वन, सिंचाई व्यवस्था, यानी भूगोल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। राजमार्ग कौन कौन से है वो भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे जैसे आगे चलते हो, अब विश्व का भूगोल यहाँ पर आ चुका है,
विश्व के भूगोल में भी आपको इसी प्रकार के लाइनर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और जो ये बॉक्सेस दिए गए हैं, ये बॉक्सेस बहुत ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट, इनको तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको SSC JEE नहीं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे सब में ये हेल्पफुल साबित होंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको याद करना है, जो आपको याद होनी भी चाहिए। बौद्ध धर्म के ऊपर आ गया, मौर्योत्तलकार, ईरानी आक्रमण, इन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर भी यहाँ काफी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां के बारे में। आधुनिक भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन दिए गए हैं, बॉक्सेस है। ऐसा नहीं है आपको एक दिन में इसका रट्टा मारना है, आपको अपने एग्जाम तक डिवाइड कर लेना है, जितने पार्ट है मतलब इसके अंदर, उन सब के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा डिली रिवाइज करना है। कुछ क्वेश्चन है कि ऐसे हो गए जो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है कि ऐसे हो गए जो आप नए पढ़ रहे हो, उनको मार्क कर लेना, उनको बार बार रिविजन जरूर करना, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ कभी याद नहीं होता, उसको रिविजन जरूर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो रिविजन भी जरूर करना पढ़ने के बाद। व्यापार आ गया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान। जैसे जैसे अब आगे चलेंगे आप, तो इसमें राष्ट्रपति, मूल कर्तव्य, ठीक है ना, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद के बारे में एक छोटा सा रिव्यू है, ताकि ये अनुच्छेद आप, खास खास अनुच्छेद आप याद कर सको। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताया गया, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी आ चुकी है। यहाँ पर थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे आपका साइंस का पोर्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान देखने को मिलता है। भौतिक विज्ञान में आपको लगभग, अगर आप साइंस साइड से बिलोंग करते हो, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल हलवा रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा आगे चलोगे तो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री एंड रसायन विज्ञान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं रसायन विज्ञान के बाद, तो रसायन विज्ञान के बाद आपको यहाँ पर मिलता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो देख सकते हैं आपको सब कुछ कवर किया गया है, ठीक है ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाकों काम हो गया। बॉटनी, जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कृषि के बारे में वो आपको देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सामान्य वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास के बारे में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और आगे चलेगा ना विविध, अब यहाँ से आपका रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये रीजनिंग का पोर्शन है, तो आपके दो जो पार्टीशन है, रीजनिंग कम पोर्शन में निपटाई गई है और जीके ज्यादा पोर्शन में निपटाई गई है, जो हमें जरूरत भी है, यानी कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये साबित होगा। आपको रीजनिंग की अलग से तैयारी करनी है और जीके की अलग से तैयारी करनी है। रीजनिंग में सेम वही आपको पोर्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पर आप खुद देख लीजिए कि वन लाइनर रीजनिंग के क्वेश्चन तैयार नहीं किए जा सकते, इसलिए यहां पर उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दिए गए। तो इसका, इस बुक की कुछ खास यूनिक बात यही है कि यहां पर आपको जो रीजनिंग मिलेगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मिलेगी, और यहां पर आपको जो जीके मिलेगी वो आपको वन लाइनर पोर्शन में मिलेगी। तो आपको दोनों को, दोनों जो पोर्शन है वो अच्छे से तैयार करने हैं, अगर आपको SSC JEE का एग्जाम अच्छे नंबर से क्रैक करना है। 50 नंबर की जीके और 50 नंबर का आपका रीजनिंग का पोर्शन आएगा, तो 100 नंबर आपको इस बुक से मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं ये बुक कितनी कारगर है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हम बता दें आपको कि इस बुक को मैं रेटिंग दूंगा 5 में से 3.5। जी हाँ दोस्तों, 5 में से 3.5 की रेटिंग मैं यहां पर क्यों दूंगा, क्योंकि यहां पर जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको जब स्टूडेंट पढ़ेगा उसको इनका या तो रट्टा मारना पड़ेगा, या उसकी शुरुआत से थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव में कंपैरिजन करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जल्दी लर्न होते हैं एज कम्पेयर टू वन लाइनर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन घटना चक्र जब देता है अपनी बुक में, तो उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी देता है एक बॉक्स में बना के, जो काफ़ी अच्छी बुक होती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप SSC JEE की वो बुक लीजिए, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स हो और उन क्वेश्चन का नीचे सोल्यूशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, और ये भी होना चाहिए कि वे जो क्वेश्चंस होने चाहिए वे चैप्टर वाइज होने चाहिए, ना कि एग्जाम वाइज, कि शिफ्ट में ये पेपर हुआ पूरा का सॉल्यूशन दे दिया, उसमें ना एक खिचड़ी पक जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि आप अभी एक टॉपिक लर्न कर रहे थे, फिर दूसरा टॉपिक उसी पेपर में किसी और सब्जेक्ट का आ गया, तो आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर SSC JEE सोल्ड पेपर आप तैयार कीजिए, सबसे बेहतर है। अगर आपको स्पेशली SSC JEE के क्वेश्चन पेपर नहीं देखने को मिलते, तो आप SSC के जितने एग्जाम्स हुए उनके सोल्ड पेपर मंगा लीजिए, वो आपको घटना चक्र की बुक मिल जाएगी, और उसका मैं जल्द रिव्यू करूंगा इस चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।